नगर परिषद कांटी के अकुराहा खरगी में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। वही क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सभापति उम्मीदवार दिलीप कुमार ने फीता काट कर किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए दिलीप कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के आयोजनों से काफ़ी जो है भाईचारा का बढ़ावा मिलता है। वही आपको बता दें कि आज ठंड के बीच भी युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ सुदूरवर्ती इलाके के युवाओं को आगे बढ़ने का यह एक मौका अच्छा मिला है, क्योंकि गांव के युवाओं में प्रतिभा छिपी होती है जिन्हें इस तरह के आयोजन से अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। इसी कड़ी में फाइनल मुकाबला नगर परिषद अकुराहा हरियर और ढेवा के बीच क्रिकेट खेला गया। वही विजेता टीम को साइकिल और कॉकर सम्मानित किया गया। वही उप विजेता को मेडल और साइकिल से भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर अमन कुमार, रंजन चौहान, अनिकेत कुमार, प्रिंस कुमार, आशुतोष कुमार, राजीव चौहान, नैतिक राज, दीपक सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामकांत सिंह, उमेश सिंह, नागेंद्र सिंह, संजय राम, अनूप राम आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। दिलीप जी के तरफ से किया गया है और इस फील्ड में जितने नौजवान उपस्थित हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आने वाले चुनाव में इनका भी मान सम्मान देखकर हम लोग इनको जिताकर सम्मानित करेंगे। सबसे पहले तो यहां हम कहना चाहेंगे कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजक नगर परिषद कांटी नगर परिषद के भावी सभापति दिलीप कुमार के द्वारा किया गया और यहां पे उपस्थित जितने भी हमारे अतिथिगण, हमारे गार्जियन जो भी लोग हैं आए यहां मैच देखे उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और ये इस मैच का जो फाइनल आज खेला गया था अकुराहा चौहान क्रिकेट क्लब वर्सेज ढेमहा में, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खेला इसीलिए हम लोगों ने जीत दर्ज की। 93 रन का टारगेट था, हम लोग 13 ओवर में मैच को जीत लिए। यहाँ पे जब भी कभी भी यहाँ टूर्नामेंट, हर साल यहाँ पे टूर्नामेंट किया जाता है और एक ये ऐसा जगह है जहाँ से चारों तरफ काफ़ी क्रिकेट प्रेमी है, तो इस फाइनल के लिए काफ़ी ज़्यादा होर था क्रिकेट प्रेमियों में। वो लोग ठंडा को नकारते हुए यहाँ आके उपस्थित होकर इस मैच का आनंद लिए। आयोजक दिलीप भाई को हम यही कहना चाहेंगे कि युवाओं में क्रिकेट का जोश बढ़ते रहे और जीत हार के बाद भी क्रिकेट युवाओं में क्रिकेट का प्रेम एकदम बढ़ते रहे। बहुत ही अच्छा, जैसा कि आयोजन के लिए जाने जाते हैं हमारे बड़े भाई दिलीप, उसी प्रकार का आयोजन दिया इन्होंने। बहुत ही, जहां भी क्रिकेट का बात हो या फिर जहां भी युवाओं का बात हो, सबसे पहला नाम और चेहरा जो आता है वो आता है दिलीप का। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे नगर परिषद के क्षेत्र में, करते आए हैं और सभापति बनने के बाद भी करेंगे, इसका पूरा उम्मीद है। सबसे पहले तो यहाँ के सभी दर्शकों और कमेटी, यहाँ के लोग और इतने ठंड में भी सभी लोग हमारा मेरे यहाँ आकर इस ग्राउंड में सपोर्ट किए, खेल को अच्छी तरह से अंतिम तक स्वरूप दिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको तो पता है ही कि हम क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं हमेशा से और हमेशा से रहेंगे। कल भी एक टूर्नामेंट कोठिया में स्टार्ट होगी और परसों से एक तिवारीटला में भी होगी, तो क्रिकेट के लिए हम हमेशा युवाओं के बीच रहते हैं और उनके खेल के प्रति हम हमेशा गंभीर रहते हैं कि जब भी लोग बुलाए हम वहाँ पहुँच जाते हैं। कई जनप्रतिनिधि आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ खाली टूर्नामेंट उनका काम है आरोप लगाना और मेरा काम है क्रिकेट और फुटबॉल और जो भी सामाजिक कार्य हो, पूजा पाठ जो भी हो, उनमें मेरा सहयोग करना, और हम तन मन धन से सहयोग करते हैं और कभी भी करेंगे। उनका बोलना काम है वो बोलते रहें, मेरा जो काम है वो मैं करते रहूँगा। अभी भी हम उस पर अडिग है और सबसे पहला मैं कोई कार्य करूंगा, अगर चुनाव जीतता हूं तो उस हाई स्कूल के वो जो स्टेडियम है उसको सौंदर्यीकरण करूंगा, उसमें खेल का टोटल व्यवस्था करूंगा, एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाऊंगा, एक स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा, एक चबूतरा का निर्माण उसमें करवाऊंगा और चारों तरफ से अच्छी बाउंड्री और उसके अंदर भी एक लोहे का बाउंड्री अंदर से करवाऊंगा जिससे क्रिकेट फुटबॉल अच्छे तरह से खेला जा सके। नगर परिषद में कहीं भी विवाह भवन नहीं है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? नगर परिषद में कहीं भी एक था भी तो वहाँ पे आरटीपीएस काउंटर। हाँ, हमें आपके न्यूज से पता चला कि एक विवाह भवन था उसको आरटीपीएस में तब्दील कर दिया गया है, और मैं सबसे पहले चुनाव जीतूंगा तो उस आरटीपीएस को ऑफिस के बगल में ले जाऊंगा और उस विवाह भवन को और अच्छे तरीके से सौंदर्यीकरण करके उस विवाह भवन को भव्य रूप आकार दूंगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज़ लाइव।
और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।